أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على أعدائي مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم عجل لوليك الفرج. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. उलमा को जानो की सीरीज के आज के एपिसोड में जिस हस्ती के बारे में हम जानने वाले उनका नाम है आयतुल्ला मरअशी नजफी अलैहि रहमा। आयतुल्ला मरअशी नजफी का नाम था सैयद अबुल माली शहबुद्दीन मोहम्मद हुसैन इब्न सैयद महमूद मरअशी। इनकी विलादत नजफ अशरफ शहर में हुई थी 1315 में, और इनके जो वालिद थे, इनके जो फादर थे, वो नजफ अशरफ के वेल रिस्पेक्टेड फकहा में से थे, जो नजफ के हौजे में पढ़ाया करते थे, और इन्हीं के अंडर आयतुल्ला मरअशी नजफी की ट्रेनिंग हुई। इनकी बचपन का एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जिससे जो है काफ़ी उनको थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने फादर के लिए जो है अपनी तकलीफ को एक्सेप्ट किया, और उनके कंफर्ट के लिए जो है उन्होंने जो है अपने आप पर थोड़ी सी तकलीफ आने दी। तब उनके वालिद ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हें जो है काफ़ी बड़ा मर्तबा अता करे, और इस वजह से आयतुल्ला मरअशी नजफी कहते जो मेरे वालिद की मेरे हक में दुआ थी, उस वजह से जो है मैं ये लेवल पर पहुंचा हूँ। आयतुल्ला मरअशी नजफी के बारे में है कि वो जो है उन्होंने सामर्रा और काजमैन दोनों जो शहर है, जो मुकद्दस शहर है, वहाँ पर जो है अपनी दीनी तालीम के हायर एजुकेशन के लिए वो वहाँ गए, और जब वो मशहद मुकद्दस गए ज़ियारत के लिए, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुम शहर में जो है रहेंगे, और वहीं पर जो है अपनी हायर स्टडीज़ को शेख अब्दुल करीम हायरी, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके अंडर जो है पढ़ेंगे। थियोलॉजी और फ़िक्ह, यानी कि जो अकायद है, और इन सब के साथ साथ और फ़िक्ह के साथ साथ आयतुल्ला मरअशी नजफी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन, और बाकी मतलब इन एरियाज़ में भी जो वो एक स्कॉलर थे, उन्होंने स्टडीज़ की थी। कुम में जो है वो एक काफ़ी हाई रैंकिंग आलिम बन गए कुम के हौजे में, और धीरे धीरे इन्होंने जो है मर्ज तकलीद बन गए, और इन्होंने जो है कई लोगों को दर्स दिए। 67 ईयर्स तक आयतुल्ला मरअशी नजफी ने लेक्चर्स दिए, ट्रेनिंग की। जस्ट इमेजिन, 67 ईयर्स तक उन्होंने दर्स दिए, लेक्चर्स लोगों को पढ़ाए। इमेजिन क्या लेवल ऑफ नॉलेज था उनका, और उनके स्टूडेंट्स में से काफ़ी सारे बड़े फुकाहा निकले, जैसे शेख मुर्तज़ा मुतहरी, शेख इब्राहिम अमीनी, शेख हुसैन मज़ाहिरी, सैयद अली काजी तबातबाई, और सैयद मुर्तज़ा अस्करी। और साथ साथ 50 साल तक या उससे भी ज़्यादा इन्होंने बीबी मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम में नमाज पढ़ाई, मतलब जमात नमाज के पेश इमाम थे वह आयतुल्ला मरअशी नजफी। जब से वो नजफ में थे, उनको बहुत ये एक शौक़ था कि शिया हेरिटेज को जो है रिवाइव किया जाए। उन्हें काफ़ी जो है दुख पहुंचता था, सैड होते थे कि काफ़ी सारी जो रेयर किताबें हैं, जिनकी मैन्यूस्क्रिप्ट से जिनकी जो किताबें जो कहीं मिलती नहीं, बहुत सारी जो है ब्रिटिश कलोनियल ऑफिशल्स के हाथ में और उनके म्यूजियम्स में हैं। उनको बहुत छोटा कम जो है स्टाइपेंड मिलता था एज अ स्टूडेंट जो हौजे में जो मिलता है, लेकिन इस छोटे से स्टाइपेंड से भी वो जितना हो सके उतनी ज़्यादा किताबें खरीदते थे, और जब उनके पैसे ख़त्म हो जाते थे तो वो लोगों के कज़ा नमाज और कज़ा रोज़े रख कर जो है जो गुजर गए हैं उनके कज़ा नमाज और कज़ा रोज़े रख कर जो पैसे कम मिलते थे उनके इसके लिए, जो लोग उनको देते थे एज अ हदियतन गिफ्ट, उस पैसे से भी वो जो है सिर्फ किताबें खरीदते थे। और यहाँ तक कि इतना टाइम हो गया कि उन्होंने बहुत बहुत बड़ा कलेक्शन जो है किताबों का बना लिया, और जब वो कुम गए उन्होंने सारी किताबें अपने साथ लेकर कुम के हौजे में आए, और उन्होंने इनफैक्ट छोटी सी ज़मीन खरीदी ताकि उस ज़मीन पर एक लाइब्रेरी बनाई जाए जहां पर कई सारी किताबें हो। 1394 हिजरी में जो है उन्होंने ये काम किया, और 1500 से ज़्यादा रेयर किताबों को जो है उन्होंने जमा किया, जो हज़ारों साल पुरानी किताबें थी उसको, यहाँ तक कि और किताबें लोग लाने लगे क्योंकि लाइब्रेरी इतनी पॉपुलर हो गई। और जब पॉपुलर हो गई और पूरे एक सेटअप था, एक पूरी ऑफिस थी, तो जो है उन्होंने और कोशिश की कि और रिसर्च करके जितनी ज़्यादा किताब हो सके उसे जो है लाया जाए। 20 जिलहिज्जा 1410 हिजरी, विच अप्रॉक्सीमेट्स टू अराउंड 1990 जो है,
आयतुल्लाह महर्षि ने जो है अपनी आयतुल्लाह महर्षि लाइब्रेरी का जो है फाउंडेशन डाला। लेकिन कंस्ट्रक्शन 7 माले की बिल्डिंग बनाई 21,000 स्क्वायर मीटर में, और आज ये लाइब्रेरी 70,000 किताबों का मजमुआ है, 70,000 वॉल्यूम्स है, जिसमें एंशियंट कैलीग्राफी है कुरान मजीद की, 100 साल पुरानी से ज़्यादा फिक की और कई सारी हजारों साल पुरानी किताबें हैं, 13,000 ऐसी किताबें हैं जो अब दूसरी जगह पर अनअवेलेबल है, और कई सारी लैंग्वेज में, न सिर्फ अरबी में बल्कि फारसी में, उर्दू में, टर्किश में, कई पुराने मैप्स है, कई एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स है। तो सिर्फ किताबें नहीं, इन्होंने बहुत बहुत एक बड़ा कलेक्शन बना दिया नॉलेज का। और ये लाइब्रेरी लोगों के लिए खुली है, और कोई भी जो हौजे का स्टूडेंट है या कोई रिसर्चर है वो आकर जो है इन किताबों को देख सकता है, इनसे पढ़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयतुल्लाह महर्षि नजफ़ी इस लाइब्रेरी के कम्प्लीशन को देख न सके। फाउंडेशन स्टोन रखने के कुछ हफ्तों बाद ही उन्हें हार्ट अटैक आया, और 1411 हिजरी में, जो इंग्लिश डेट में 29 अगस्त 1990, यानी कि आज से कुछ साल पहले ही आयतुल्लाह महर्षि नजफ़ी का इंतकाल हो गया, और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी लाइब्रेरी के दरवाजे पर ही उनकी कब्र है जहाँ उनको दफनाया गया। ये इन्होंने इतनी मेहनत की, ऐसे हमारे उलमाओं ने इतनी मेहनत की कि किस तरह इल्म उलूम आले मोहम्मद को बचाया जा सके। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए आलम दीन की स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.